क्चर ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियर आई एम गोइंग टू डिस्कस एम सिक्यूज ऑफ यूनिट थ्री बेसिकली आई विली इंफेसिस एंड प्रीसरेडी प्रोबेलिटी डेंसिटी फंक्शन और पीडीएफ ऑफ थर्मल इज बाइनियल गोजन पॉइजन एंड नीज दो राइट आंसर इज गॉजन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिसमल नॉइज के लिए कैसा होता है पीडीएफ गोजन फंक्शन होता है Now, next question Which of the following statements regarding white noise is false? It is a thermal noise. Theoretically, it has infinite power. It is a Gaussian noise signal, or its frequency spectrum contains all frequency components but in unequal. प्रोपोशन तो फर्स्ट थ्री इज करेक्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है हमें फॉल्स तो इफ़ यू रीड अगर यहाँ तक होता है इट्स फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कंटेन और फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स तो वो भी ट्रू होता बट इन दिस केस इन्होंने लिख दिया बट इन अनईक्वल प्रोपोशन तो ये क्या हो गया फॉल्स अगर यहाँ लिखा होता है इक्वल प्रोपोशन तो ये कंडीशन ट्रू होती बट इन्होंने लिखा अन एकवल प्रोपोशन मीन्स कि दिस इज द फॉल्स मीन्स कि डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन now next question energy contained of atmospheric noise varies as 1 by f f 1 by f square or f square so this is inversely proportional to frequency means ki a is the correct option for this question नेक्स्ट क्वेश्चन इफ़ द वैल्यू ऑफ रजिस्टर्स इज डबल द नॉइज पावर जनरेटेड इन इट इज बिकम्स हाफ गेट्स डबल गेट्स क्वाड्रेपल एंड रिमेन तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नॉइज पावर दैट इज गिवन बाय पी एन इज इक्वल टू के टी डेल ठीक है नाउ Where k is the Boltzmann constant, which is given by 1.38 into 10 to the power minus 23. जूल पर डिग्री कैलविन आपको ये वैल्यूज भी याद होनी चाहिए मे बी रिक्वायर्ड हो एंड टी इज द टी इज द रूम टेम्परेचर दिस इज द रूम टेम्परेचर इन डिग्री कैलविन ठीक एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी ठीक है तो नाउ यू कैन सी फ्रॉम दिस फॉमूला देयर इज नो रजिस्टेंस इज अवेलेबल जब रजिस्टेंसी अवेलेबल नहीं है तो अगर हमने उसकी वैल्यू को डबल भी किया तो दैट कैन नॉट अफेक्ट द नॉइज पावर मीन्स की रिमेन्स अनचेंज्ड इज द राइट ऑप्शन मीन्स डी इज द करेक्ट ऑप्शन

तो डायोड एंड ट्रांजिस्टर्स में फ्लिकर नॉइज़ कहाँ होता है फ्लिकर नॉइज इज़ ड्यू टू द इमर्फेक्ट सर्फिस बिहेवियर ऑफ सेमी कंडक्टेड डिवाइसेज ठीक है तो ये भी हमारा किस में होगा एक्टिव डिवाइसेज में हो गया एंड पार्टीशन नॉइज़ कब होता है जब सर्किट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो दैट तो जो तो नॉइज़ अक्कर होती है दैट इज़ कॉल्ड पार्टीशन नॉइज और इसमें ट्रांजिस्टर्स इससे फ्री होते हैं मीन्स की सी इज़ द

इक्वल अमाउंट में ठीक है ऑल फ्रिक्वेंसी कम्पोनेंट्स को इक्वल अमाउंट में कंटेन करती है एंड जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ वाइट नॉइज होती है वो इनडिपेंडेंट होती है फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी ठीक है तो हमारा ये और ये तो क्रॉस हो गया बिकॉज पी एच डी इज फ्री फ्रॉम एफ ठीक है नाउ और हमने कहा कि सबका इक्वल अमाउंट होता है मीन्स की फ्लैट स्पेक्ट्रल डेंसिटी सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस ठीक है इज थर्मल नॉइज पावर इज प्रपोजनल टू बैंड विथ ओनली टेम्परेचर ओनली बैंड विथ एंड टेम्परेचर बैंड विथ रजिस्टेंस एंड टेमपरेचर तो फॉर दिस आंसर हमें पता होना चाहिए कि वॉट इज द इक्वेशन ऑफ थर्मल नॉइज पावर टू दैट इज गिवन बाई पी एन इज इक्वल टू के टी डेल एफ ठीक है तो दिस इज द कांस्टेंट बोल्डमैन कांस्टेंट ऑलरेडी डिस्कस था हमारा दिस इज द रूम टेम्परेचर मींस की टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी से हमें बैंडविट मिलती है मीन्स की हमारी जो नॉइज पावर है दैट इज प्रपोजनल टू बैंडविट एज वेल एज टेम्परेचर दोनों के तो मीन्स की सी इज द राइट ऑप्शन Question, which one of the following is not uniformly distributed over all frequencies white noise flicker noise short noise and thermal noise so right option for this is flicker noise that is not uniformly distributed next question power spectral density of white noise is independent of resistance independent of bandwidth independent of temperature and none of these so formula for this is given by s is equal to 4k टी आर डेल एफ डिवाइडेड बाई टू डेल एफ विच इज इक्वल टू टू के टी आर ठीक है दिस इज द टू के टी आर तो दिस इज इनडिपेंडेंट ऑफ बैंडविड बिकॉज हमने जब ये प्रॉब्लम इन दोनों को सॉल्व किया पी एच डी फाइंड आउट की तो देयर इज़ नो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट दैट्स वाई दिस इज इन इनडिपेंडेंट ऑफ द बैंडविड ठीक है रजिस्टेंस भी अवेलेबल है टेम्परेचर भी अवेलेबल है वॉट इज एबसेंट फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी एबसेंट मींस की दिस इज फ्री और दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ बैंडविथ मीन्स की बी इज द राइट ऑप्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सिग्नल टू नॉइज रेशियो कैन बी इम्प्रूवड बाई इनक्रीजिंग द बैंडविथ एम्पलीट्यूड मॉड्यशन डीएसबीएससी मीन्स की डबल साइडबेंड सप्रेस कैरियर एस एस बी मीन्स की सिंगल साइडबैंड और एफ एम तो वट इज द राइट ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है मीन्स की अगर हमें एस एन आर को इम्प्रूव करना है तो हम बाई इंक्रीजिंग बैंडविथ इन डीएसबी एस सी कि हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा एस एन आर इम्प्रूव हो जाएगा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉइज परफॉर्मेंस ऑफ द स्क्वायर लॉ मॉडुलेटर इज बैटर देन दैट ऑफ द एनवेलप डिटेक्टर बैटर देन दैट ऑफ आर सिंक्रोनस डिटेक्टर आइडेंटिकल विद दैट ऑफ आर सिंक्रोनस डिटेक्टर एंड पुअर देन दैट ऑफ एनवेलप डिटेक्टर तो राइट ऑप्शन फॉर दिस इज बैटर देन दैट ऑफ सिंक्रोनस डिटेक्टर मीन्स की बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस In frequency modulation, noise decreases by increasing frequency deviation. Noise decreases by decreasing frequency deviation. Noise is unaffected by change of frequency deviation. Noise increases by increasing the bandwidth. So, in this case, what is the answer? Noise decreases by increasing the frequency deviation in case of frequency modulation. So, A is the right option. द फंशन ऑफ नॉइज डिमीटर इन कम्युनिकेशन रिसीवर इज टू इलिमिनेट नॉइज एज द सिग्नल एंटर्सिवर एंड टू क्रिएट फीज डिफरेंस बिटवी द सिग्नल एंड नॉइज टू रिड्यूज द इफेक्ट ऑफ नॉइज पल्स टू लिमिट दॉइज बैंड फॉर दिसट आंसर इज टूज द इफेक्ट ऑफ नॉइज पल्स ठीक है द फंक्शन डिमीटर क्या है टू रिड्यूज द इफेक्ट ऑफ नॉइज पल्स सी इज द करेक्ट ऑप्शन next question thermal noise independent of bandwidth temperature central frequency and boltzmann constant so c is the right option it is free from the central frequency thermal noise shows am only fm only both am and fm to so none of these so this will be shown in both am and fm cub ए एम तो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्येशन एंड एफ एम इज नैरोड एफ एम की बात कर रहा है जो कि अप्रोक्सिमेटली सेम होता है ए एम की तरह तो मीन्स बोथ ए एम एंड एफ एम इज द राइट आंसर क्वेश्चन कॉस्मिक नॉइज इज कॉज्ड बाई डिस्टेंट स्टार लाइटनिंग डिस्चार्ज सोलर एरुपेशन इरोस और डिस्टर्बेंस इन द एटमोस्फियर तो राइट आंसर इज द डिस्टेंट स्टार्स मीन्स की कॉस्मिक नॉइज ड्यू टू द डिस्टेंस स्टार्ट होता है सिस्टम इज फ्री फ्रॉम नॉइज एंड तो राइट आंसर इज द एफ एम क्वेश्चन इन एम रिसीवर द ऑसलेटर फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज लोअर देन सिग्नल फ्रीक्वेंसी हायर देन सिग्नल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सिग्नल फ्रीक्वेंसी एंड इक्वल टू वन किलो हर्ड्स तो यहाँ होगा हायर देन द सिग्नल फ्रीक्वेंसी बिकॉज ऑसलेटर से जो हम फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं दैट इज कैरियर सिग्नल और कैरियर सिग्नल इज अ हाई फ्रीक्वेंसी वेव एंड हमारी जो इनपुट सिग्नल होती है दैट इज जनरली मॉडुलेटिंग सिग्नल और ऑडियो सिग्नल दैट इज़ लो फ्रीक्वेंसी वेव तो वॉट इज द राइट आंसर हायर देन सिग्नल फ्रीक्वेंसी मीन्स की बी इज़ द करेक्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन इफ सेलेक्टिविटी इज पुअर देन द रिसवर हैज़ पुअर सेंसिटिविटी डाइवर्स रिसेप्पन ब्लॉकिंग एंड फेडिलिटी तो सेलेक्टिविटी का मीन्स होता है कि जो प्रॉपर सेलेक्शन करे अगर प्रॉपर सेलेक्शन ही नहीं होगा मीन्स की सेलेक्टिविटी अगर पुअर होगी तो ऑब्वियसली ब्लॉकिंग भी पुअर ही होगी मीन्स की इफ सेलेक्टिविटी इज पुअर देन द रिसीवर हैज़ पुअर ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी मीन्स की सी इज़ द राइट आंसर सिस्टम प्रीम फेसिस इज यूज टू एम्पलीफाई हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी फेज एंड एम्पलीट्यूड बेसिकली प्री इमेसिस में हम क्या करते हैं बिफोर ट्रांसमिशन एम्पलीफाई करते हैं सिग्नल को लो पावर सिग्नल को तो इन दिस केस वट इज द राइट ऑप्शन हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल ठीक है ए इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूशन नॉइज गेट्स डिक्रीज इफ वी डिक्रीज डेविएशन दिस इज ट्रू और फॉल्स तो दिस इज फॉल्स साइज ऑफ अस्टम इज़ पॉइंट जीरो सेवन टू वन फाइन इट्स क्वांटाइजेशन पावर तो मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ इन दैन आंसर बता देती हूँ आप इसको कैलकुलेट करके मैच करेंगे फॉर्मूला फॉर एनी वैल्यू अगर हमें क्वांटाइजेशन पावर फाइंड आउट करनी है तो दैट इज इक्वल टू स्टेप साइज स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वेल्व इन दिस केस दिस वैल्यू इज़ पॉइंट जीरो सेवन टू वन स्क्वायर टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वेल्व ठीक जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वॉट इज द आंसर आंसर मैं आपको बता देती हूँ इसका जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट दिस आंसर तो प्लीज़ इसको सॉल्व करें क्रॉस चेक करें कि दिस इज राइट ऑप्शन और नॉट crosstalk is the disturbance caused in the nearby channel or circuit due to the transmitted signal adjacent frequency rejection generation of closely lying sidebands and none of the above the right answer is that the disturbance caused in the nearby channel or circuit due to transmitted signal crosstalk is the option a is the correct एम्प्लीमिटर इन एफ एम रिसीवर्स आर यूज टू रिमूव एम्पलीट्यूड वेरिएशन ड्यू टू नॉइज फिल्टरिंग डीमोडिलेशन एंड एम्पलीफिकेशन तो नॉइज जो होता है दैट इज एडिटिव वो हमारे जनरली एम्पलीट्यूड के साथ एड होता है तो एम्पलीट्यूड लिमिटर इन एफ एम रिसीवर्स आर यूज टू रिमूव एम्पलीट्यूड वेरिएशन ड्यू टू द नॉइज ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन

नॉइज ड्यू टू द रैंडम बिहेवियर ऑफ चार्ज कैरियर इज शॉर्ट नॉइज पार्टीशन वाइज इंडस्ट्रियल नॉइज नॉइज फ्लिकर ए इज द राइट ऑप्शन की शॉर्ट नॉइज वोल्टेज वी एन एंड द सिग्नल बैंडविथर टू बैंडविड वी एन इज डायरेक्टली प्रपोजनल टू अंडर रूट बैंडविथ और वी एन इज इनवर्सली प्रपोजल टू एब्सलूट टेम्परेचर एंड वी एन इज इनवर्सली प्रपोजल टू बैंडविड तो मैं सबसे पहले तो आपको फॉर्मुला बता देती हूँ फॉर्मुला क्या है इज इक्वल टू अंडर रूट आर पी एंड डेल एफ ठीक है मीन्स कि अगर एफ से ये अंडर रूट प्रपोजनल है तो ऑब्वियस है बैंडवुड से भी ये अंडर रूट बी से प्रपोजनल होगा मीन्स कि बी इज द राइट ऑप्शन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नोइस फैक्टर एफ एंड नॉइज़ फिगर्स आर रिलेटेड टू एन एफ इज इक्वल टू टेन बेस टेन एफ एफ इक्वल टू टेन एफ तो ये दोनों तो एकदम नहीं है ठीक है वॉट इज द रिलेशनशिप नॉइज़ फैक्टर इज इक्वल टू टेन लॉक टेन एफ ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन नॉइज फैक्टर एंड नॉइज फिगर आर रिलेटेड एज ये चार ऑप्शन दिए हैं तो इन दिस केस नॉइज फिगर इज रिलेटेड टू नॉइज फैक्टर With this equation, noise figure is equal to 10 log 10 f. This is the right option. चर टी आर रिलेटेड एज जस्ट अभी मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था तो वट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू तो इसका जो रिलेशनशिप है दैट इज दस वन वी एन इज इक्वल टू अंडर रूट फोर आर के टी बी वेयर बी इज द बैडमिट टी इज द रूम टेम्परेचर के इज द बोल्समैन कॉन्टेक्स कॉन्स्टेंट एंड आर इज द इक्वेलेंट रेजिस्टेंस तो दिस इज द रिलेशनशिप और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि एडेड टू अ अ सिग्नल इन कम्युनिकेशन सिस्टम कहाँ पर एड होती है द द द द रिसीविंग एंड एंड एंटीना इन चैनल ड्यूरिंग ऑफ़ इंफॉर्मेशन तो राइट ऑप्शन इज सी जब भी कोई चैनल होता है उस पर ही आपकी नॉइज एड होती है like, याद रखना है हमें जो हमारी शॉर्ट नॉइज़ है शॉर्ट नॉइज़ ठीक है इट इज़ जनरेटेड बाय एक्टिव डिवाइसेस लाइक डायोड एंड ट्रांजिस्टर ठीक है तो इट कैन बी अ एमसीक्यू क्वेश्चन नाउ वन मोर वन वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि नॉइज बैंडविट इज ग्रेटर देन थ्री डी बी बैंडविट क्या याद रखना है कि जो नॉइज बैंडविट होती है दैट इज ग्रेटर देन थ्री डी बी बैंडविट ठीक नाउ स्पॉट नॉइज फिगर इज नॉइज फिगर इज वन फॉर नॉइज लेस चैनल तो आपसे पूछ सकता है कि स्पॉट नॉइज फिगर क्या होती है फॉर नॉइज लेस चैनल तो आपने क्या याद रखना है डेट इज वन क्या है वन क्लियर नाउ नॉइज फिगर इज डायरेक्टली प्रपोजनल टू नॉइज आपने क्या याद रखना है नॉइज फिगर नॉइज़ फिगर इज़ डायरेक्टली प्रपोजनल टू नॉइज ठीक है ना वर्ट नॉइज़ हैज़ थोरेटिकली इन फाइनाइट एवरेज पावर वाइट नॉइज के पास कितनी पावर होती है थेरेटिकली इन फाइनाइट पावर क्लियर नाउ फ्लिकर नॉइज़ जो होते हैं वो वेरीज़ होते हैं विद द फ्रीक्वेंसी और वो वेरीज होते हैं इनवर्सली प्रपोजनल ठीक है तो आपका क्या हो गया कि फ्लिकर नॉइज़ फ्लिकर नॉइज फ्लिकर Noise inversely proportional to. फ्रीक्वेंसी ठीक है वन बाई एफ के प्रपोजनल होते हैं ठीक नाउ थर्मल नॉइज इज़ कॉन्स्टेंट ओवर अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी आपने क्या याद रखना है थर्मल नॉइज जो होती है वो कॉन्स्टेंट होती है ओवर अ नॉइज ऑफ़ फ्रीक्वेंसी वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अ नैरो बैंड नॉइज इज़ अज्यूम टू बी गोइजन विथ ज़ीरो मीन ठीक है वट इज़ द मीनिंग ऑफ मीन मीन मीन्स की स्मॉल एम इज इक्वल टू जीरो दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल्स क्लियर है now i think uh, this is done from my side if you have any doubt in any question please write down in comment section thank you so much